ओम शांति। आज की तारीख है 21/11/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे शिव बाबा, जो हम सर्व आत्माओं के परम प्रिय परम पिता परमात्मा हैं। परंतु बाबा कहते हैं, मैं भी धंधा करता हूँ और जो धंधा मैं करता हूँ वही धंधा तुम बच्चे भी करो। तो आइए सुनते हैं बाबा हमको कौन सा धंधा करने को कहते हैं, जिससे समझ में आ जाएगा कि शिव बाबा का धंधा क्या है। तो मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा बोले, मीठे बच्चे तुम्हारा धंधा है, कान खोल के सुनो सभी, तुम्हारा धंधा है सबका भला करना। पहले अपना भला करो, फिर दूसरों का भला करने के लिए सेवा करो। प्रश्न है, ब्राह्मण बनने के बाद भी वैल्यूएबल जीवन बनाने का आधार क्या है? उत्तर है, वाचा और कर्मणा सेवा। जो वाचा या कर्मणा सेवा नहीं करते हैं उनके जीवन की कोई वैल्यू नहीं। सेवा में सबकी आशीर्वाद मिलती है। जो ईश्वरीय सेवा नहीं करते वो अपना टाइम एनर्जी सब वेस्ट करते हैं, उनका पद भी कम हो जाता है। गीत बजा है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। धारणा के लिए मुख्य सार के दो धारणा बिंदु, नंबर एक, अंदर बाहर साफ रहना है, बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है, सच्ची दिल से सेवा करनी है। नंबर दो, अपना टाइम सफल करना है, सर्व की आशीर्वाद लेने के लिए वाचा व कर्मणा सेवा जरूर करनी है। रहम दिल बनना है सबका कल्याण करने का धंधा, करते रहना है। वरदान शिव बाबा का, निर्माणता की महानता द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले मास्टर सुखदाता भव। बाबा कहते हैं कि महानता की निशानी निर्माणता है। जितना निर्माण बनेंगे उतना सबके दिल में महान स्वतः ही बनेंगे। निर्माणता निरहंकारिता सहज बनाती है। निर्माणता का बीज महानता का फल स्वतः ही प्राप्त कराता है। निर्माणता ही सबकी दुआएं प्राप्त करने का सहज साधन है। निर्माणता महिमा योग्य बना देती है। निर्माणता सबके मन में प्यार का स्थान बना देती है। वह बाप समान मास्टर सुखदाता बन जाते हैं। तो देखो बाबा ने कितनी सारी निर्माणता की सफलता में प्राप्ति जो होती है वो सुनाई। स्लोगन है, श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने के लिए निश्चय का फाउंडेशन मजबूत हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।